हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कंपनी में सैलरी कम है तो आप कैसे सैलरी बढ़वा सकते हो। एक अच्छा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी बताऊँगा दोस्तों, अपने पिछले 12 साल से ऑलरेडी खुद मैं दुबई के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आँखों से अपने नज़र से देख रहा हूँ और जो मेरे वर्कर भाई दुबई से ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी इस बात से 100% सहमत होंगे कि इस बात में 100% सच्चाई है। लेकिन मैं दोस्तों ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा आ जाता है इन्फॉर्मेशन दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ आप लोग के तक ये शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का सवाल रहता है कि भाई मेरे को कंपनी में 600 दरहम सैलरी है, 800 दरहम सैलरी है, 1000 दरहम सैलरी है, उसमें क्या खाऊँ, क्या बचाऊँ, यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि महंगाई का ज़माना ज़्यादा हो गया। ऑलरेडी दुबई में डबल महंगाई हो गया। पहले जो आदमी 200 दरहम में खाना खा लेता था वो अभी 400 दरहम लग रहा है। जो लोग मेरा वीडियो दुबई से देख रहे हैं, यस ज़रूर लिखे कमेंट में कि हाँ इस बात में कितनी सच्चाई है कि पहले से डबल महंगाई है, मगर सैलरी जितना था पहले अभी भी उतना ही है। लेकिन अगर सैलरी हमारी कम है तो हम कैसे बढ़वा सकते हैं कंपनी में? कौन सा कंपनी को, कोई भी कंपनी वर्कर को सैलरी कैसे बढ़ाती है, इसके पीछे माइंडसेट समझना पड़ता है दोस्तों। मान लिए एक कंपनी, कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी में हमारी कंपनी में मान लिए अगर सैलरी 600 दरहम है, 800 दरहम है, किसी का 1000 भी होगा, किसी का 2000 भी होगा, किसी का 5000, किसी का 10000 भी होगा, क्यों इसका डिफरेंट है, क्या है इसका? क्योंकि और ऐसा नहीं कि नहीं वो तो पढ़े लिखे हैं इसके लिए उतना सैलरी है उन लोगों का, हम लोग तो अनपढ़ है इसलिए इतना सैलरी कम है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर जो भी काम में आप आए हो उस काम में आपको मास्टरी करना पड़ेगा, मतलब टॉप पे जाना पड़ेगा। टॉप पे जो काम लोग कर रहे हैं उस लेवल में आप इक्वल रहोगे या उससे थोड़ा 19-19 रहोगे तब आपको वैल्यूएशन बनेगा। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ ये बोलो कि मेरी सैलरी 600 दरहम है। कंपनी सबको सैलरी 600 दरहम नहीं देती है, किसी को 800 देती है, किसी को 1000 देती है, किसी को 2000, किसी को 5000, क्यों देती है? इसके पीछे कारण है, कंपनी को ये लगता है कि मान लिया आप 600 दरहम आपको सैलरी दे रहे हो तो आप 600 के लायक हो, यानी आप 1200 दरहम अगर कंपनी को कमा के दे रहे हो तो आधा सैलरी आपको दे रही है, आधा सैलरी कंपनी खुद रखी है, उसमें अरबाब का ऑनर का खर्चा है, इंश्योरेंस है, आपका वीज़ा का खर्चा है, रूम रेंट है, पूरा सिस्टम वो लोग करता है। तो इसमें हम लोग का क्या करना है? जो नए वर्कर भाई हैं या ऑलरेडी जो पुराने उन लोग भी, मेरे पास जो अनुभव है मैं सोचता हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। आपका पास भी जो भी नॉलेज है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिखो और शेयर करो कि हाँ इस बात में सच्चाई है, यानी ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, जो भी है ये हम लोग आपस में समझो डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई वीडियो नहीं है दोस्तों, ये हम लोग आपस में समझो एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि हाँ ये बात में 100% सच्चाई है। अगर जो आदमी लोग को काम मालूम नहीं होता है, आप लोग देखते होंगे कि 2-4 लोग अगर बैठे हुए भी हैं और जो लोग हेल्पर है या थोड़ा कम मालूम है, दिमाग का थोड़ा लूज है, उन लोगों का थोड़ा नॉलेज कम है, तो लोग क्या करते हैं अगर बीच में कुछ बोल भी देते ना तो उसको लोग चुप बैठा दे, तो चुप बैठ, तो तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। तो इससे क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा गोल अगर यहाँ गल्फ कंट्री में आ गए तो सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए कि काम में मास्टर, पैसे के पीछे मत भागो, अभी पैसे लाजिम आएगा। पैसे अगर आप काम में मास्टरी कर लिए तो जो 10 साल में दोस्तों आपने पैसे नहीं कमाए हैं एक साल में कमा सकते हो, बट आपको काम में मास्टरी करना पड़ेगा, काम में एकदम भींगना पड़ना, डूबना पड़ेगा। जो लोग टॉप में है, मान ले कोई भी ऐसा भी होगा जो टेक्नीशियन आदमी, उसकी सैलरी 2000 रहेगा और हमारी सैलरी 600, क्यों है? हम लोग एक स्क्रू के तरह है दोस्तों, हम लोग एक मशीन है और उसमें क्या है कि एक स्क्रू निकाला दूसरे स्क्रू डाल दिए, तो कुछ ऐसा स्क्रू हम लोग को बनना पड़ेगा जिसका रिस्पेंसली मतलब जिसके बदले में कोई जल्दी स्क्रू ना मिले, तो कंपनी भी निकालने से पहले या कुछ करने से पहले सोचेगी। हम लोग को तो एक स्क्रू है और एक स्क्रू निकाला, दूसरा उधर बैठे हुए हैं, उसको निकाल के उसको फिट कर दिया, तो हम लोग एक स्क्रू के तरह है, कंपनी एक मशीन है, तो कुछ ऐसा स्क्रू बनने की कोशिश हम लोग को करना चाहिए कि जिसका बदले में जल्दी ना मिले, तो वो लोग भी आपको सैलरी भी बढ़ा सकती है और आपको आगे इंक्रीज भी करा सकती है। निकालने से पहले 10 बार सोचेगी कि ऐसा ना कि हाँ ये इसको मैं चेंज करूँ तो इसके बदला में कोई अच्छा हमको आदमी ना मिले। तो ये सब माइंडसेट रख के आपको आना है, आपको पैसे के पीछे, मान लें यहाँ आ भी गए, अगर जिसको अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ से अगर आप यहाँ आ गए 600 दरहम सैलरी या 800 दरहम में आ गए,
तो आपको ये सोच लेना कि 2 साल के अंदर मैं बिल्कुल पैसे के छोड़ो, पैसा कमाना ही नहीं है, सीधा ये फोकस करना है कि टॉप पर कौन इस कंपनी में अच्छा काम करता है, या काम का एकदम मास्टरी नॉलेज कर लेना एकदम प्रॉपर, फिर आप देखो कंपनी आपको ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ाएगी। लोग नाम तारीफ करना स्टार्ट करेंगे, फला आदमी ना बहुत अच्छा काम करता है यार, इसकी सैलरी बढ़ा कर दो। इसलिए आप लोग पैसे के पीछे मत 2 साल कम से कम भागो, काम के पीछे भागो, काम को एकदम मतलब एक मोहब्बत की तरह काम को बना लो दोस्तों, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपका बात मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक एक के बाद एक बात बता रहा हूँ, बट मेरे पास जो नॉलेज है और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी कंपनी में भी है, बहुत सारे लोगों की सैलरी 5,000 है, किसी का 7,000 है, 10,000 है, बट मेरी सैलरी 800 क्यों है, क्योंकि मैं 800 के लायक हूँ, इसलिए कंपनी मुझे 800 सैलरी दे रही है। अगर मैं 5,000 सैलरी वाले के लायक अगर बन जाऊँ जिस दिन और मैं उस कंपटीशन में काम करने लगूँ, तो फिर कंपनी में आँख डालकर बोल सकता हूँ कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा करो, वो लोग को भी लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा काम करने वाला है, इसकी सैलरी तो बढ़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी कंपनी में चला जाएगा, वहाँ पे मेरा इज्जत हो जाएगा, कंपनी वाले लोग भी की पता चल जाता है, क्योंकि एक कंपनी अपने अंडर में नहीं रहती है, एक कंपनी में बहुत सारे कंपनियाँ जुड़ी होती है, वो लोग भी आपको देखता रहता है कि हाँ कौन बंदा काम करने वाला है, कौन बंदा में ज़्यादा नॉलेज है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको यहाँ आने के बाद काम में एकदम मास्टरी कर लेना है, जो टॉप लेवल पे कंपनी में काम करने वाले हैं उन लोग के मुकाबले उस मुकाम पे आपको काम करना है, फिर आपकी कंपनी सैलरी लाजिम बढ़ाएगी। आप लिख के ले लो दोस्तों, और जो लोग अगर इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं एक बार आजमाओ, 2-3 महीना आप फोकस एकदम काम पे कर दो, दूसरा कुछ भी माइंड सेट मत रखो, सैलरी का तो छोड़ो ही, सैलरी तो वो लोग देगा ही देगा, आज नहीं देगा 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर बाद देगा ही देगा। इसलिए आप लोग मैं जो बताया दोस्तों, काम पर फोकस करो और काम में पूरा मास्टरी कर लो, टॉप पे जो बंदा बैठे उसके कंपटीशन का आप काम करना स्टार्ट कर लो, देखो इसमें ज़रूर 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो था दोस्तों मेरे पास नॉलेज था, कोई मैं स्क्रिप्ट जैसा मैं बोला लिख कर नहीं बोला हूँ, तो जो भी मैं बात में अगर गलती सही होगा दोस्तों तो माफ़ी चाहूँगा, और आप लोग के जो भी सवाल है कोड के साथ नीचे कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।